हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और आपका मेरे चैनल 56 व्यंजन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे भिंडी की बहुत ही अच्छी सब्ज़ी। बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। इसके लिए मैंने आधी किलो भिंडी को अच्छे से धो के सुखा के कट कर लिया है। अब हम लेंगे लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में सूखी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। इसमें सरसों का तेल ऐड कर दिया है और इसको धुआं आने तक पकाएंगे ताकि उसमें से जो तीखा फ्लेवर होता है वो निकल जाएगा। अब हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे और चलाते हुए इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। चलाते हुए पकाना है इसको ताकि कढ़ाई में ना लगे, और भिंडी को बिल्कुल भी ढकना नहीं है। 2-3 मिनट हो गए हैं तो 2-3 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लंबे कटे हुए प्याज। आधी किलो भिंडी के लिए 4 प्याज लिए हैं। इसको इसमें ऐड करके अच्छे से चलाएंगे। 5 मिनट तक हमें इसको ऐसे ही चलाना है, हमें बिल्कुल भी ढकना नहीं है इस टाइम पर। अगर हम इसको ढक देंगे तो इसमें लेस आ जाएगी, तो इसको हम चलाते हुए पकाएंगे। अगर आप इस तरीके से भिंडी बनाएंगे तो भिंडी बहुत जल्दी भी बन जाएगी और बहुत टेस्टी बनेगी। देखिए, चलाते चलाते मुझे 5 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। जैसे 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ली है 1/2 चम्मच। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा कि आप कितना तीखा खाते हैं। अब इसको मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही मिक्स करना है और ढक करके अब हम इसको पकाएंगे। 2-3 मिनट ही ढककर पकाना है। 2-3 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और फिर से हम इसको चलाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर से बहुत अच्छी भिंडी का टेस्ट आता है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें 1/2 नींबू का रस निचोड़ दीजिए, और 1/2 चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कराया है। देखिए, अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और कितनी खिली खिली भिंडी बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल भी इसमें लेस नहीं आई है, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी है, एकदम खिली खिली बनकर तैयार हुई है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।